तो गाइस अभी देख सकते हो हम लोग कहाँ पे हैं। अभी आए हैं हम लोग आउटर में वीडियो को शूट करने के लिए। तो अभी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है वीडियो शूट करने में। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पूरा धूप में मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ भाई लोग एक लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम लोगों का शूट हो गया है कंप्लीट। मैं आई कम रुक जा। तो तू सारी जिंदगी सलमान खान का फैन रहा है, संजू बाबा, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन के तो पोस्टर्स हैं तेरे कमरे में। अच्छा है, मगर दोस्त बस फैन बनने से, दीवार पे पोस्टर्स ताड़ने से तो तेरा ये नाजुक सा बदन फौलाद नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो सितारे बस एक पल में तेरा दिल जीत लेते हैं, उन्हें कई हजार घंटों की मेहनत के उस कोहलू में से होकर निकलना पड़ता है। और ये लोग अपने फैंस बस पर्दे पे अपना जलवा गिरा के नहीं बनाते, इनकी असली मेहनत तुझे उस पर्दे के पीछे जाके देखनी पड़ेगी। जब रात हो या दिन, ये अपना वो जरूरी वर्कआउट नहीं छोड़ सकते। जल्दी जाना पड़े या देर रात ही क्यों ना हो, ये लोग अपने उस एक वर्कआउट को पूरा करके ही दम लेते हैं, उससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। क्योंकि जिम सिर्फ एक जगह नहीं है जहां वेट्स मिलते हैं, मशीन्स पड़ी होती हैं, ट्रेडमिल खड़े होते हैं। जिम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर रोज का डिसिप्लिन है, और तेरे लिए हो या ना हो, मगर इन लोगों के लिए जिम एक मंदिर है। और तेरे ये सारे बहाने बस तुझे तेरे बिस्तर का वफादार बना के छोड़ देंगे। कल, परसों, 15 अप्रैल और पता नहीं कब कब पे तू अपनी इस बात को टालता आया है, और लॉकडाउन का बहाना तो अभी आया है। उससे पहले तूने क्या झंडे गाड़ दिए थे, क्योंकि तूने उस टाइम में अपनी जो आदतें डाली थी वो सारी अब तेरे साथ तेरे घर में पड़ी हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन है भाई, बाहर कैसे जाएं? तो सुनो, जो पहले से ही अपने वर्कआउट की आदत बना के बैठा होगा ना, उसने तो घर पे रह के भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लिया होगा। क्योंकि दोस्त, इंसान के हालात बदल सकते हैं, मगर उसकी फितरत, उसकी आदत बदलना इतना आसान नहीं। जिसको बहाने बनाने की आदत है वो बहानों से ही काम चलाएगा, और जिसको अपनी जिंदगी बनानी है वो तंगी में भी अपना काम बढ़ाएगा। ये सारे मौसम ही तो हैं, और इस तूफान में जो डटे रहने की अपनी आदत बना जाएगा वही तो इस तूफान के गुजरने के बाद उस धूप में सबसे अलग खड़ा नजर आएगा। बिल्कुल उस पोस्टर में खड़े तेरे उस
हीरो की तरह, क्योंकि ये बातें कुछ ना कर पाने की, बस जिंदगियां तबाही करके जाती हैं। हीरो तो वो है जो दूसरों को भी उम्मीद दिखाए, क्योंकि जहां चाह हो वहां राहें निकल ही जाती हैं।